की बड़ी खबर है रीवा से, जहां एक बार फिर वह सिवनी किशोरी और एक युवती को अपना हवस का शिकार बना लिया। एक आरोपी के द्वारा जबरदस्ती किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़ित घटना की जानकारी अपने परिजनों से की, जिसके बाद परिजन किशोरी को लेकर थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई है। बताया जाता है कि आरोपी पिछले 4 महीने से दुष्कर्म कर रहा था, साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। वहीं पीड़िता की शिकायत पर विश्वविद्यालय पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट के तहत धाराओं के तहत मामले को पंजीबद्ध कर लिया है। फिलहाल विश्वविद्यालय पुलिस आरोपी राहुल साकेत की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है, इसके बावजूद वैसी मासूम बच्चियों को हवस का शिकार बना रहे हैं। एक तरफ जहां किशोरी से जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया, तो वहीं एक युवती को झांसा देकर भी बलात्कार करने की घटना सामने आई है। वहीं युवती ने जब शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता के द्वारा महिला थाने में दर्ज कराई गई है। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रायपुर करछुलियान थाना क्षेत्र के सुरसा निवासी राजकुमार साकेत के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपको ये भी बताते चले कि लगातार राज्य सरकार महिला अपराधों और पॉक्सो एक्ट मामलों पर रोक लगाने के लिए पुलिस विभाग को सख्त निर्देश दे रहे हैं। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी आए दिन अपराधों की समीक्षा करते हैं, इसके बावजूद इस तरह की घटनाओं पर रोक न लग पाना समाज के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।